चैनल आरएस पब्लिक स्कूल। बच्चों मैं आज आपके लिए केमिस्ट्री का नया सिलेबस लेकर के आया हूं और इस केमिस्ट्री में जो है कि ये है 2021 न्यू सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 10th। देख रहे हैं तो चलते हैं बच्चों, सबसे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को क्या क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है, जरा देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। केमिकल सबस्टेंस फर्स्ट यूनिट है केमिस्ट्री का, केमिकल सबस्टेंसेस, जिसमें कि नेचर एंड बिहेवियर को देखा जाएगा, क्या क्या नेचर है, क्या क्या बिहेवियर है। जैसे कि केमिकल रिएक्शन पढ़ना है आपको, नोट करते जाइएगा तो बहुत अच्छा है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, फिर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, इंप्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इंप्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कंफर्म। ये केमिकल रिएक्शन नहीं बल्कि केमिकल इक्वेशन है, सॉरी केमिकल इक्वेशन है। क्लियर है, इंप्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नोट करते जाइएगा आप लोग। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें आपको मिलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और इसके बाद प्रेसिपिटेशन भी देखना होगा आपको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन को आपको देखना होगा। तो इसे आप नोट करें बच्चों। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर में जो है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में। तो देयर डेफिनेशन, इन टर्म्स ऑफ एच पॉजिटिव एंड ओ एच निगेटिव आयंस। क्लियर है, जनरल प्रॉपर्टीज की बतलाना है एसिड बेसिस का, जो है कि जनरल प्रॉपर्टीज को भी देखना होगा। इसके बाद एग्जाम्पल एंड यूजेज, भी आप देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच, इन एवरीडे लाइफ, इसके बाद प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, हो गया, इसके बाद से बेकिंग सोडा,
बेकिंग सोडा, फिर वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर है? तो बच्चे हमें जो है कि एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में क्या देखना है, तो इनका डिफिनेशन देखना है इन टर्म्स ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस के फॉर्म में। इनकी जनरल प्रॉपर्टीज, एसिड बेस की जनरल प्रॉपर्टीज आप लोगों को मैं पढ़ा ही चुका हूं। इनका एग्जांपल देना है एंड यूजेज, एसिड एंड बेसिस का एग्जांपल देना है, यूजेज भी बतलाने हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, पीएच स्केल भी मैं बतला चुका हूं आपको। इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये भी मैं कंफर्म कर चुका हूं। प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंफर्मेशन बताया हूं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन और यूजेज, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बतला चुका हूं बच्चों। तो ये चीजें पॉइंट्स आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, नोट करते रखिएगा। और फिर जो है हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में चलते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल सबसे पहले हम लोग नोट कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पूछा जा सकता है आपसे, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज भी पूछा जा सकता है। रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान दीजिएगा बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज जिसमें कि जो है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट को जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। कंफर्म याद रहे ये चीजें आपको जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर से इंक्लूड की गई हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। मेरा वीडियो देखते रहिए, ये सब मिलेगा। क्लियर है? इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में अगर मूव करते हैं, तो हमें कार्बन और कंपाउंड से क्या मिलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। क्लियर है? कोवेलेंट बॉन्डिंग बतला ही चुका हूं, केमिकल बॉन्ड्स मेरा जो है कि देखिएगा वीडियो, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसके बाद जो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। बस चैप्टर फोर यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आपको देखना है कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और होमोलोगस सीरीज। ये तीन टॉपिक आपको चैप्टर फोर से देखना है। एंड फाइनली हम लोगों को पीरियोडिक टेबल से जो है नियर अबाउट सब कुछ है, पीरियोडिक टेबल तो पूरा का पूरा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि नीड्स फॉर जिसमें पढ़ना है आपको पीरियोडिक टेबल में क्या क्या, नीड्स फॉर क्लासिफिकेशन, नीड फॉर क्लासिफिकेशन
जरूरत क्या पड़ी भाई क्लासिफिकेशन करने की इलेमेंट्स की, अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन। Not at of, ये of, early attempts of classification of element, of element जिसमें जो है कि मिलेंगे आपको डॉबरीनर ट्रैक्स पढ़ना है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को देखिए, मेंडेलिन पीरियोडिक टेबल को देखिए, क्लियर है ना, डॉबरीनर ट्रैक्स को देखना है, न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ को देखना है और फिर मेंडेलिन की पीरियोडिक टेबल को पढ़ना है, इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ना है हमें, ग्रेडेशन, फिर जो है ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज इन प्रॉपर्टीज फिर वैलेंसी वैलेंसी को देखना है हमें, एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर एंड मैटेलिक मैटेलिक एंड नॉन मैटेलिक प्रॉपर्टीज, क्लियर ना। तो ये है बच्चे हमारा न्यू सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, क्लियर है, ये है आपका पीरियोडिक टेबल का टॉपिक जो पढ़ने हैं, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इलेमेंट, यानी कि पहले भी जो है कि इलेमेंट्स को क्लासिफिकेशन किया गया था, एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया था, जैसे कि साइंटिस्ट से डॉबरीनर का ट्राइब के रूप में देना, उसके बाद से जो है कि न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल, फिर मेंडेलीव की जो है कि पीरियोडिक टेबल, और इसके बाद से जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग देखेंगे, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो बच्चों ये रहा बहुत ही मजेदार शानदार आप लोगों को केमिस्ट्री का नया सिलेबस, देखना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब करना भी ना भूलें इस चैनल को।